दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांस, आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेके आप बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। तो दोस्तों, आज हम टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे, कुछ न्यूज़ेस हैं जो कि आई होप आपके लिए अच्छी लगी, तो वो हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों के लिए। मैं यहाँ पे एक पोल देता हूँ आपको, उसमें आप यस या नो में जवाब देना। एक आरबीआई के ऊपर अभी एक चीज़ चल रही है कि आरबीआई ने भी गवर्नमेंट को 1.7 ट्रिलियन रुपीस यहाँ पे ट्रांसफर करने की बात करी गई है। तो क्या आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि आरबीआई के पास जो ये पैसा जो सरप्लस में था ये कैसे आता है, या फिर आरबीआई ये पैसे को कैसे बनाता है, ऐसे को इस वीडियो को कोई एक एनिमेटेड फॉर्म में बना के आपको यहाँ पे दिखाया जाए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो इस वाले पोल में जाके आप मुझे बता सकते हैं यस या नो के बारे में। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था हमारे एक दोस्त हैं ट्विटर पे, उन्होंने, तो उस आर्टिकल को रेफर करके मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ पे सभी के सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उस वीडियो को शुरू करने से आपसे को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस का ये वाला कोर्स परचेज नहीं करा, आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, मार्केट में एंट्री एक्सिट करना चाहते हो और लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। और अगर आप इस कोर्स को बाय करते हो तो आपको मेरे वीआईपी ग्रुप के ऊपर 65% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। जितने भी उसके प्लान हैं ईयरली प्लान तक आप उसमें ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इसके लिए कुछ भी अवेल करना चाहते हो तो मेल आईडी पे दी गई है pixelsnapshot@gmail.com, आप इसके ऊपर मुझे कांटेक्ट कर लो, बाकी डिटेल्स मैं वहां पे दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते सीधे अपने चार्ट पे, देखते हैं कि मार्केट जो कल डंप हुआ है वो आखिरकार कितना नीचे जा सकता है और अगले बॉटम पे हम लोग यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आ चुका हूँ, यह है बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमें बहुत जल्दी एक डंप देखने को मिलेगा। अगर हम 4 आवर्स के चार्ट में चले तो हमें यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा था और लास्ट वीडियो में ऑलमोस्ट हम इस पॉइंट के आसपास कहीं पे थे, जहाँ पे मैंने कहा था कि हमें 1 या 2 दिन के अंदर एक हम लोगों को यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब वो या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे हो सकता है, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो एक न्यूट्रल पैटर्न यहाँ पे होता है। तो फिलहाल में हम लोगों को एक मेजर डंप देखने को मिला है इस पॉइंट के ऊपर और इसके पास से आप क्लियरली देख सकते हो, तो जो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ व्यूज थे 9200 और यहाँ पे अभी फिलहाल में 9400 पे चल रहा है, लेकिन अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो 9200 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। फिलहाल में बहुत सारे लोग मार्केट में नेगेटिव भी हैं कि यस, अब शायद ऐसे बिटकॉइन $5,000-$4,000 भी जा सकता है, पर मैं बता दूं कि अभी यहाँ पे कुछ अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स हैं मार्केट के पास, जिसमें अगर हम पहले लेवल की बात करें तो वो हमको मिलता है 8900 से लेकर 8800 का, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आता है तो भी हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट इसको भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है तो मार्केट और ज़्यादा नीचे यानी कि $8,000 के आसपास तक आ सकता है, जो कि एक नॉमिनल सा टारगेट है। क्योंकि जैसे कि हम बात करें, हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिल रहे थे। अगर मैं यहाँ पे ये वाली लाइन को कंटिन्यू ज्वाइन करके रखूँ तो हम एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिला था, जिसका मैंने आपको बताया था कि अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा तो हम इस वाले को फिर ब्रेक करके अप जाएंगे, और अगर हम नीचे ब्रेक करते तो हम दोनों को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो फिलहाल में अगर मैं इस वाले पैटर्न की सिर्फ हाइट की बात करता हूँ, तो ये वाले की आप अगर हाइट यहाँ से नापते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोगों को 8100 के आसपास ये प्राइस आ रहा है, लेकिन मैंने एक्चुअली 8000 क्राउंड फिगर में यहाँ पे प्राइस को ले लिया है कि अगर प्राइस इसको ड्रॉप करता है और इस पैटर्न की हाइट को फॉलो करता है तो हम लोग यहाँ पे 8000 तक यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल में ये एक लास्ट लेवल रहेगा जिसके अंदर हमारे पास जो ये बुल फ्लैग आप कह सकते हो, या फिर आप इसको एक चैनल फॉर्मेशन कह सकते हो, वो चैनल फॉर्मेशन हमें इस पॉइंट के आसपास कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे जो भी आगे का प्राइस एक्शन आएगा कि मार्केट ऐसे डंप करेगा या फिर पंप करेगा। ज़्यादातर चांसेस इसके पंप होने के होंगे, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोगों को इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमको इसके लिए जाना होगा वीकली कैंडल के अंदर, और वीकली कैंडल्स में जाने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे EMA रिबन को, जो कि हमारा इंडिकेटर है। तो आप इसमें ये चीज़ एक क्लियरली यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जब जब प्राइस इस EMA रिबन के पास आता है, यहाँ से बाउंस बैक होता है, चाहे वो ये वाला पोर्शन हो, ये वाला हो या फिर ये वाला पोर्शन हो। तो इसी तरीके से जो प्राइस है जब वो यहाँ पे फॉल करेगा तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो रीज़न होगा वो होगा 9000 का एक रीज़न आने वाला है, यानी कि 8800 का, जहाँ पे कि प्राइस फॉल करेगा। इस रीज़न में थोड़ा सा अगर डिप डाउन होता है तो हम 8000 को पकड़ के चल सकते हैं और यहाँ से फिर हम लोगों को एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है।
या फिर अगर मैक्स टू मैक्स एक रेयर केस भी अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे बनाता है तो हम लोग मैक्सिमम 6,700 के आसपास तक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इससे नीचे गए तो हमारा ये जो पैटर्न है इनवैलिडेट हो जाएगा और हम उसके बाद कह सकते हैं कि यस बिटकॉइन अब जीरो यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि अगर हम BLX के अंदर चलते हैं, BLX आपको नहीं पता तो ब्रेव न्यू लिक्विडिटी इंडेक्स करके एक बिटकॉइन का एक इंडेक्स फंड है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो BLX डाल के। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 5 6 7 और इसको चाहो तो आप काउंट कर सकते हो, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स का सपोर्ट मिला था जब हम बुल मार्केट के अंदर थे। और यहाँ पे आप क्लियर देखोगे कि ये जो लाइन है ये इसके ऊपर है, तो हम लोग बुल मार्केट के अंदर हैं। सेम तरीके से आप यहाँ देखोगे तो हमें फर्स्ट सपोर्ट मिलने वाला है इस एरिया के आसपास, जो कि हमें 8,000 के आसपास तक ला सकता है ये वाला एक एरिया। देन हम फिर वहाँ से अपनी जो जर्नी होगी उसको आगे की तरफ यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ें देखनी होगी। प्लस अगर डेली की मैं भी बात करता हूँ तो हम लोग डेली की भी बात करते हो तो आप डेली में देखेंगे कि ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे टूट चुकी है, लेकिन क्योंकि ये अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुई है आज की, तो हमें इसका वेट करना होगा कि क्या ये इसके ऊपर क्लोज होती है या फिर इसके नीचे होती है। अगर इसके नीचे भी कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग प्रीवियस बुल मार्केट में चल के देखते हैं कि उस टाइम क्या हुआ था। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि प्रीवियस बुल मार्केट में इस ब्लू लाइन को तोड़ा गया एंड उसके बाद वापस से कैंडल ने उसको पूरा की पूरा कवर कर लिया। यहाँ प्रीवियस हो गया, एक कैंडल ने तोड़ा, नेक्स्ट एक रिवर्सल कैंडल बनी, देन हमने उस कैंडल को कवर करा। यहाँ पे हमारे पास कैंडल टूटी, वापस ऊपर गई, वापस नीचे आई, वापस ऊपर गई, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नॉमिनल सी बात है कि इस लाइन को तोड़ के प्राइस जो होता है वो नीचे की तरफ कई बार जाता है और फिर वहाँ से बाउंस बैक करता है। तो अगर हम बिटकॉइन की हाइट को मेज़र करें कि ये 8,000 तक अपना करेक्शन अगर लेता है तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि इसमें 40% का करेक्शन हो जाएगा, जो कि बुल मार्केट में एक नॉमिनल सा करेक्शन रहता है, क्योंकि अभी जो हमने ग्रोथ यहाँ से यहाँ तक देखा था वो आप नियरली अगर मैं इस टारगेट को लगाऊँ तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 340% का ग्रोथ यहाँ पे देखा था। तो अगर उसमें से 40% का करेक्शन भी मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है तो इसके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं मैकडी की, मैकडी बियरिश है, RSI 40 के नीचे आ गया, तो यस डेफिनेटली हम लोगों को डाउन टारगेट्स कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि ये वाला जो लेवल है जहाँ पे कि अभी बिटकॉइन का प्राइस एक तरीके से स्टडी हुआ हुआ है वो उसको ज़्यादा देर तक यहाँ पे रोक नहीं पाए और इसके साथ नीचे गिर जाए। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की, तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो ये अभी तक फॉर्मेशन के अंदर ही है, तो यहाँ पे टूटा नहीं है, ये भी किसी भी तरफ टूट सकता है, वैसे तो कंटिन्यूशन भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, तो हम लोगों को ये देखना थोड़ा सा कंपलसरी होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं इथेरियम कॉइन की, और इथेरियम में मैंने आपको बताया था ये फॉलिंग वेज है, फिलहाल में यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है और एक सपोर्टिव लाइन है। अगर आप इसकी लाइन को यहाँ पे देखेंगे, ये वाली एक सपोर्टिव लाइन, तो इसको प्राइस तोड़ के नीचे की तरफ आ गया है, और अगर यहाँ पर इथेरियम का प्राइस इस पॉइंट पे यानी कि $160 यहाँ पे करेंटली चल रहा है, यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, तो डेफिनेटली हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो वापस से इस एरिया को रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा एंड उसके बाद फिर हम जो आगे की चीज़ें होंगी उनको देखेंगे। लेकिन अगर प्राइस इसमें नहीं रुकता है तो हम लोगों को इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा कुछ इस तरीके से, और हम लोगों को हो सकता है कि जो प्राइस है उसको हम लोग $150 के आसपास भी टेस्ट करता हुआ देख सकते हैं, उसके बाद जाके हमको शायद कोई रिवर्सल देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ डिपेंड होने वाली है बिटकॉइन के ऊपर, RSI बियरिश है, MACD बियरिश है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो बिटकॉइन है वो बियरिश है तो पूरा मार्केट यहाँ पे बियरिश हो ही जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं लाइटकॉइन की, लाइटकॉइन का दूसरे पैरेलल चैनल था जिसके बॉटम के आसपास आ रहा है, जो कि $61 के आसपास का टारगेट है, लेकिन मैं प्रोबेबली इसके आसपास देख रहा हूँ कि हम लोग इसमें $54 से $50 के रेंज में एक इसके प्राइस को देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। और इसकी भी बात करें तो इसने एक अच्छा खासा पंप दिया था 547 का, और उसके बाद से अगर हम इसके डंप की बात करें तो कुछ 60% तक का इसमें डंप आ सकता है, और ये बहुत ज़्यादा नॉमिनल सा डंप है लाइटकॉइन के लिए, क्योंकि हमने इसकी पास्ट हिस्ट्री के अंदर भी ये सारी चीज़ों को देखा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं BNB कॉइन की, BNB में लास्ट मैंने यहाँ पर आप लास्ट वीडियो चेक करोगे तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्टिव बनाया था, जहाँ पे कि हमने कहा था कि यहाँ पे जो ऊपर डिसेंडिंग ट्रायंगल है जैसे भी ये ब्रेक डाउन करता है इस पॉइंट को तो हम लोग इस पॉइंट तक आ जाएंगे, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। अभी भी यहाँ पे मेरे कुछ टारगेट्स हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुए, तो मैं अभी भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो BNB है वो हमें $15 से $17 के बीच में मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर, तो थोड़ा सा वेट करना इसके लिए समझदारी होगी अगर यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं आता है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके वैसे तो ये थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है वन डे की कंडीशन के अंदर, लेकिन अगर फिर भी इसमें कोई भी चांसेस रहते हैं तो मैं इसको $15 से $17 के आसपास देख सकता हूँ, और फिर ये जोन हो सकता है जहाँ पे कि हम BNB को बाय करें, क्योंकि अभी BNB अभी भी ओवरबॉट कंडीशन के अंदर यहाँ पे चल रहा है। इसकी अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं टोटल, तो इसके अंदर 855% की ग्रोथ हुई थी, तो यानी कि अगर इसके अंदर 50-60% का करेक्शन भी आता है तो दैट्स डजंट मैटर।
नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं नियो की, और नियो का थोड़ा सा परफॉर्मेंस इस बात से खराब हो गया, ये वाली लाइन से मैंने आपको बताया था कि ये टूटना इंपॉर्टेंट है, नहीं टूटी और ये वाला रेजिस्टेंस आया था, तो ऑलरेडी हमारी बात हुई थी कि हम लोग 8.6 तक आ सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि मार्केट और ज़्यादा नीचे जा सकता है फिलहाल में, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो नियो है वो $6.8 के आसपास यहाँ पे होवर कर सकता है, तो आप थोड़ा सा इसमें देख के करिएगा ट्रेड अगर आप इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। वॉल्यूम डिक्लाइन है, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव जा रही है, ये भी नेगेटिव होने वाला है, तो यस डेफिनेटली हमें शायद एक और लो देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं XRP की, XRP ने अपना दोस्तों प्रीवियस लो यहाँ पे तोड़ दिया है, तो नो कमेंट्स क्योंकि इसके बाद अभी कितना नीचे आएगा हमें भी नहीं पता, वेट करना होगा कि बिटकॉइन कब रिकवर करता है और उसके साथ साथ XRP कॉइन भी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ऑन्टोलॉजी कॉइन की, और ऑन्टोलॉजी का दोस्तों सपोर्ट तोड़ने की कोशिश करी गई थी, फिलहाल में एक रेटेस्ट यहाँ पे हुआ है लेकिन इसने सपोर्ट को ही तोड़ दिया है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो मैं इस वाले लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यानी कि अब हमारे पास जो अगला सपोर्ट है वो है 0.63 का, जो कि हमने ऑब्वियसली पिछले वीडियो में देखा था। लास्ट दोस्तों हमारे पास लिंक कॉर्नर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास एक कंसोलिडेशन फेस है, जैसे ही हम इसके बाहर निकलते हैं ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा, और बिटकॉइन के कारण इसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये जो सपोर्टिव एक रेंज था वो यहाँ से टूट के आ चुका है। अब नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो मैं जो एक लेवल देखूंगा इसके अंदर वो नियरली $1.2 के आसपास का एक लेवल होगा, जहाँ पे कि शायद मैं इसको बाय करूँ या फिर मैं इससे और ज़्यादा नीचे की भी इसकी बाइंग बिड डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको देखूँ तो 984% यानी कि BNB से भी ज़्यादा इसने पॉइंट दिया है, तो अगर ये यहाँ से 72% का भी करेक्शन लेता है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सारे के सारे कॉइन्स कवर कर लिए हैं, अब चलते हैं दोस्तों न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले जो दोस्तों न्यूज़ आ रही है वो आ रही है दोस्तों बैक्ट की तरफ से, और बैक्ट बक्ट आप जो भी इसको कहना चाहो, तो यहाँ पे दोस्तों सितंबर 6 को अपने वेयर हाउसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। वेयर हाउसेस वो जगह होगी जहाँ पे कि ये अपने क्रिप्टोस को रखेंगे, यानी कि एक डिजिटली टाइप का आप कह सकते हो, लेकिन वो सेफ सिक्योर जगह होगी जिसकी प्राइवेट कीज और ये सारी चीज़ें इनके पास होने वाली हैं। तो 6 तारीख से दोस्तों ये चीज़ चालू हो जाएगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि 23 सितंबर से वक्त आ रहा है और ये बिटकॉइन के ऊपर इफेक्ट कर सकता था, जैसे कि हम सब लोगों ने पहले भी देखा है, क्योंकि अब इनको सस्ते में बिटकॉइन खरीदना है तो ये कैसे भी करके नीचे प्राइस को खींचेंगे, तो थोड़ा बहुत एक जो प्राइस का लेवल है वो थोड़ा माइंड में रखना। लेकिन इसके आने के बाद से अनुमान यही लगा जा रहा है कि जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा और हम लोगों को एक अच्छी खासी चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों खबर है दोस्तों वो है CME की तरफ से, CME CBO आपको पता होगा इनके फ्यूचर ग्रुप से, जो कि 17 दिसंबर 2017 के अंदर आए थे, आई थॉट 2017 में आए थे, तो वहाँ पे दोस्तों इनके पास से मार्केट क्रैश हुआ था, लेकिन अभी इनके पास अगर वॉल्यूम की बात करें तो 515 मिलियन डेली का वॉल्यूम यहाँ पे मई में काउंट करा गया, यानी कि अगर बात करें तो ऑलमोस्ट $500 million, यानी कि 1 बिलियन से आधा, तो उसका आप 1 बिलियन के आधे को यहाँ पे समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आ रही है। तो इंस्टीट्यूशंस अभी भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे खरीदने करने में। नेक्स्ट दोस्तों खबर है XRP के लिए, जैसे कि बुरी खबर है, यस यहाँ पे जो XRP की जो कम्युनिटी है उन्होंने एक अपनी तरफ से एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कदम उठाया, क्योंकि XRP की जो टीम है या फिर कह सकते हैं जिसने XRP को क्रिएट करा है वो यहाँ पे XRP को डंप कर रहे हैं, और अभी तक ये जो क्वार्टर गया है सेकंड क्वार्टर के अंदर $250 मिलियन के XRP को यहाँ पे डंप कर दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो क्रिप्टो है क्रिप्टो बिटलॉट इनका ये चैनल है, ट्विटर के ऊपर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, इन्होंने दोस्तों यहाँ पे एक पेटिशन निकाली, आप जाके इसको साइन जरूर करिएगा अगर आप XRP होल्डर या XRP को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। और इन्होंने बताया कि फाइनली इनका जो स्टेप है वहाँ पे दिख रहा है, और इनके जो भी बड़े बड़े जो ऑनर्स हैं जैसे CEO जो है उनको अभी यहाँ पे टैग करा गया है कि XRP को डम करना बंद करो। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि बाकी अगर हम कॉइन्स देखें जैसे कि बाइनेंस है, हुबोई है, या फिर कुछ और भी कंपनीज जैसे थीरे में, ये अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन XRP खुद का ही बेच रहे हैं। ठीक है, मानते हैं कि चीज़ों को रिक्वायरमेंट रहती है, बट इतनी भी ज़्यादा क्या रिक्वायरमेंट जो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है दोस्तों आ रही है क्यूटेस्ट क्रिप्टो गेम की तरफ से। दोस्तों ये एक ऐसा गेम है जो स्केलेबिलिटी करना चाहता है नियो के प्लेटफॉर्म को ऐड करने के बाद। फिलहाल में अगर इसकी बात करें तो अभी इसके पास इथेरियम, EOS और ट्रॉन ये 3 प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कि ये चल रहा है करेंटली, और अभी दोस्तों ये नियो के ऊपर भी आने वाला है, जहाँ पे क्योंकि जो नियो है वो 1000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड कर सकता है उसकी कैपेसिटी, प्लस नियो के अंदर आपको गैस भी मिलती है, तो ये लोग नियो की ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो ब्रिड्स हैं अब इसके अंदर 4 तरीके के नॉन फंजिबल टोकन्स हो जाएंगे, जो कि US ट्रॉन इथेरियम और नियो बेस होने वाले हैं। नॉन फंजिबल टोकन पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो अगर आपको ये दोस्तों गेम खेलना है या फिर आप देखना चाहते हो तो फिलहाल में तो 3 टोकन सपोर्ट करता है इथेरियम, EOS और ट्रॉन। ये दोस्तों इसकी साइट है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, मुझे तो वाकई थोड़ी सी अच्छी लगी। और अब ये दोस्तों नियो को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो कि मेरा एक फेवरेट प्रोजेक्ट जरूर है,
और नियो के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे डैप्स क्रिएट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को देख सकते हो। फिलहाल में नियो का इन लोगों ने यहाँ पे बताया था कि ये एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है जो कि मेजर प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क कर रही है, और ये इंक्रीज करेगी स्केलेबिलिटी इस गेम की, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको नियो की ऑडियंस भी मिलेगी, क्रिप्टो करेंसी भी मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमको मिलने वाली है। तो एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ है, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो है दोस्तों वजीर एक्स की तरफ से, और ये न्यूज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो दोनों ही मेजर प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो यूज़र्स हैं उनके लिए भी, और जो अपना कुछ नया इनिशिएटिव करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पे वजीर एक्स ने लॉन्च करे हैं म्यूचुअल फंड टाइप में STF, जिसे यहाँ पे कहते हैं स्मार्ट टोकन फंड। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसको सिंपली ऐसा समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसके अंदर होता है निफ्टी, और निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है, तो वो जो इंडेक्स है उसके अंदर कुछ 50 कंपनीज का मर्जर है निफ्टी 50 के अंदर, यानी कि इसमें टॉप की कुछ 50 कंपनीज होती है, और इसको आप लोग खरीदते हैं निफ्टी 50 के एक शेयर आप उसको कह सकते हैं, और जब आप उसको खरीदते हैं तो उसकी जो वैल्यूशन होती है अप डाउन उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, और इस चीज़ को जो मैनेज करता है वो होता है एक फंड मैनेजर, या फिर आप म्यूचुअल फंड की स्टाइल में कहो तो बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इजी बताया कि इसको एक फंड मैनेजर यहाँ पे ड्राइव करता है कि इसका भाव क्या होगा, जो भी अलग अलग शेयर्स के अंदर पैसा डाल के। तो सेम तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो STF होने वाला है वो भी एकदम सेफ है, STF यानी कि सिक्योरिटी टोकन फंड। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक फंड मिल जाएगा, तो मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे वेल, क्रिप्टो वेल का वेल, और ये फंड है जिसके अंदर मेरे पास जो फंड्स है वो है बिटकॉइन, इथेरियम, मैं कुछ लार्ज के फंड ले लेता हूँ जैसे नियो, इसके अलावा हम ले लेते हैं ट्रॉन, इसके अलावा चेन लिंक जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ फंड्स ले लिए। अब ये जो फंड है इन सब का मिला के मेरा ये जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे डेवलप हो गया। अब आप में से कुछ लोग आएंगे इस पोर्टफोलियो को बाय करेंगे, जैसे मैंने इसकी प्राइस रख दी $10, तो आप इसमें $10 पे करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं जो हूँगा वो एक फंड मैनेजर हूँगा, और जैसा भी मैं इनके ऊपर ट्रेड करके अपना प्रॉफिट या लॉस निकालता हूँ उस हिसाब से जो मेरा ये पोर्टफोलियो होगा इसकी प्राइस अप या डाउन में ड्रिव होगी, और इसमें आप कभी भी एंट्री ले सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा यहाँ पे आपको मटेरियल मिलने वाला है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग नए हैं मार्केट मतलब ट्रेड करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये होने वाला है कि पहला तो आपको अपना क्रिप्टो देके इसको बाय करना होगा, और दूसरा दोस्तों रिस्क ये होगा कि आपको नहीं पता कि सामने वाला फंड मैनेजर की हिस्ट्री क्या है, वो कितना प्रॉफिट निकालता है कितना लॉस करता है, तो ये सारी चीज़ें देखना इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। बाकी दोस्तों इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, निशल जी को इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। अब जल्दी से वो यहाँ पे SIP या SWP जैसे प्लान्स भी अगर ले आते हैं तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्रिप्टो के अंदर काम करना एक ट्रेडिशनल मार्केट जितना यहाँ पे इजी हो जाएगा। तो आए दोस्तों आपको पसंद है कि मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप कर ली हैं। आपके कुछ भी सवाल हो जवाब हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और हाँ दोस्तों इसके लिए जरूर बताना कि अगर मैं क्या इसका फंड मैनेजर बनूँ आप पसंद करेंगे अगर हम कोई सा फंड यहाँ पे अपना STF यहाँ पे लेकर आते हैं तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएगा, या फिर मैं यहाँ पे पोल देता हूँ उसके अंदर आप जरूर यहाँ पे बता दीजिएगा। स्वागत दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, दोस्तों को वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ दोस्तों करिएगा लाइक, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो करिएगा डिसलाइक, दोस्तों के चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग कटा यहाँ पे पा सके और पूरे मार्केट से दोस्तों आप अपडेटेड रह सके। तो बस दोस्तों मिलता है आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।